तालिबात, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नावल और नावल के सबसे अहम कड़ी जो होती है प्लॉट होती है, और प्लॉट जो होता है वो छोटे बड़े वाक़यात, कहानी के छोटे बड़े वाक़यात को तरतीब देने का नाम प्लॉट होता है। प्लॉट में और कहानी में कमी दिलचस्पी, जिससे प्लॉट जो है वो आगे बढ़ता है, और कहानी आगे जब बढ़ती है तो अपने उतार चढ़ाव से ये कहानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। प्लॉट की खूबी ये होती है कि प्लॉट जो होता है वो मरबूत होना चाहिए, प्लॉट मरबूत होना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता अब प्लॉट अपने नुक्ते की तरफ आगे की जानिब बढ़ता है। प्लॉट के बाद आती है किरदार निगारी, मकालमा निगारी, मकालमा निगारी जो है इजहार ख़याल का एक बेहतरीन ज़रिया है। मकालमा निगारी नावल का एक अहम जुज करार दिया जाता है, जिससे नावल आगे की तरफ आगे बढ़ता है और किरदार मकालमे के ज़रिए अपने जज्बात और ख़यालात की तर्जुमानी करते हैं। मकालमे को फितरी होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस तबके की कहानी लिखी जा रही है उस तबके के लोग रिश्ते उम्र जो है और उसके जुग्राफियाई हालात को सामने रखना चाहिए, ताकि किरदारों के जहन की मुकम्मल तर्जमानी हो और मकालमा जो है अपनी रफ्तार से आगे बढ़े। मकालमे की खूबी ये होती है कि मकालमा उस तबके से लिया जाता है जिस तबके से कहानी जो है उस तबके और उस समाज के लोगों की ज़हनी सलाहियत की तर्जुमानी करता है। किरदार निगारी इंसान नावल में किरदार निगारी जो है वो बहुत ही अहम है। जैसा कि आप जानते हैं कि किरदार निगारी और मकालमा निगारी एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम होते हैं। नावल में कहानी जो है किरदारों के ज़रिए आगे की तरफ बढ़ती है। यही किरदार जब आगे बढ़ते हैं तो वो नावल के पस मंज़र को पेश करते हैं, जो नावल में मंज़र निगारी की तरफ इशारा करता है। मंज़र निगारी से नावल के तासुरात में इजाफा होता है। नावल में मंज़र निगारी से ताल्लुक माहौल की बड़ी अहमियत होती है, और जब तारीख़ी नावल पेश किए जाते हैं तो तारीख़ी नावलों में तारीख़ी पस मंज़र को पेश किया जाता है। नावल में तीन वहदतें हैं, जैसा कि मैंने कहा था वहदते ज़मा। नावल किसी एक मरकज़ अपने प्लॉट के गिर्द गर्दिश करता है। वहदते मका नावल की कमज़ोरी, नावल का अपनी जगह से बार बार हट जाना ये नावल की कमज़ोरी कहलाती है। नावल में और कहानी में उतार चढ़ाव, कहानी का तायुन होना लाजमी है। जमा वहदते जमा अगर ज़्यादा होगा तो यकीनन नावल जो है वो बोरियत का सामान फराहम करेगा। नावल में होना ये चाहिए कि किरदार और अमल में किसी किस्म का तजाद ना हो। इसी तरीके से नावल के आखिर में नुक्ते उरूज जो है वो मुकाम जहां नावल के तमाम किरदार सिमट कर एक जगह सामने आ जाते हैं, और उस जगह नावल निगार अपने मसले को पूरी आबताब के साथ कारी के सामने पेश करता है, और उसी के साथ उन तमाम किरदारों में से एक किरदार को नासे बनाकर उस मसले के हल को पेश किया जाता है। आखिर में अंजाम ये नावल की आखिरी कड़ी अंजाम कहलाती है। ये अंजाम कहानी नावल की पूरी कहानी का निचोड़ होती है। नावल की कामयाबी अंजाम पर मुनहसर होती है। क्लाइमेक्स
नावेल निगार इब्तदाई हिस्सा यानी प्लाट से तमाम किरदारों को रूशनास कराते हैं और शुरू ही से मामलात में पड़ी हुई गुत्थियों और दूसरे हिस्से को एक दूसरे से मरबूत करते हैं। तीसरे हिस्से में जो मंजर पेश किया जाता है वो क्लाइमेक्स कहलाता है। सुलझे हुए मामलात को चौथे हिस्से में उन मामलात को सुलझाया जाता है और नताइज बरामद किए जाते हैं। इसके बाद आखिरी हिस्सा जो होता है वो अंजाम का होता है, जिससे नावेल अपने अख्तिताम तक पहुंचता है।